बढ़ रहे चोर तस्करों के कोहराम में सिरनौर तालुका के सादली गांव में महिला और बच्चों के साथ आई वैसी चोर टोली को आज रंगे हाथों पकड़ा गया। जहां दुकान में ग्राहक के भेष में आई ये महिला चोर टोली ने दुकान मालिक की नजर चुरा कर डेरो रेडीमेड ड्रेस की चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ते हुए बाद पुलिस के हवाले किया गया था। कोरोना वायरस की महामारी ने अब इंसान को इतना लाचार और मजबूर बना दिया है कि वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो चुका है। तो वहीं बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को अब गुनाहित प्रवृत्ति करने के लिए मजबूर बनाया है। ऐसे में चोर लुटेरी की काफी घटनाएं बाहर आ रही है। बढ़ रहे चोर तस्करों के कोहराम में आज सिरनौर तालुका के सादली गाँव में महिला चोर टोली को रंगे हाथों पकड़ा गया, जहाँ महिला चोर टोली में उनके छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हुए रंगे हाथों पकड़ने के साथ तमाम को पुलिस के हवाले किया गया था। सादली गांव में आए दिनेश भाई पटेल की कापड़ की दुकान आई हुई है, जहां रेडीमेड कपड़े की दुकान में आज चार महिलाएं बच्चों के साथ ग्राहक के भेष में कपड़े देखने के बहाने से आई थी। तो वहीं दुकान मालिक की नजर चुरा कर तैयार वैसे रेडीमेड ड्रेस की चोरी करने के बाद व्यापारी की नजर जाते हुए तमाम चुराए हुए ड्रेस को रंगे हाथों पकड़ा गया, जहां एक स्थल से बरामद करते हुए बाकी अन्य महिलाएं फरार होते हुए बाद लोगों में भारी भागदौड़ी मचने के साथ तमाम चोर महिलाओं को रेलवे फाटक के पास से पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, जहां ये महिला चोर टोली राजस्थान के कोटा की होने की बरामद की गई है। वडोदरा ब्रिज के पास नीचे वे फुटपाथ पर रहती है। गाँव में बाल लेने, खिलौने बेचने या तो फिर अन्य कोई भी बहाने से दुकान में जाने के साथ अपनी चोर टोली में शामिल वैसे बच्चों के सहारे से पूरी चोरी को अंजाम दिया जाता था, जहां पुलिस ने चार महिलाएं सहित उनके पांच बच्चों के साथ रंगे हाथों पकड़ते हुए बाद सघन कार्यवाही जारी की है। जाहिर सी बात है कि महिला चोर टोली को रंगे हाथों पकड़ने के साथ सादली गाँव में काफी लोगों की भीड़ उमड़ते हुए हलचल मची थी। શું જુદું આજે તમારી દુકાન? સેન્ટર લેડીઝ આવી હતી અને એ લોકોએ આપણી દુકાન કેસ કરાવ્યા અને એની અંદરથી ચાર ડ્રેસ ચોરી લેતા હતા અને સાથે સાથે ઉઠી લઈને એમની મેડમ મૂકવા માંડ્યા હતા એમના ઠેલામાં અને અમને કીધું કે એ લોકો અંગણ સાથે ખૂબ દાદાગીરી કરતા હતા અને ખૂબ સારી વાત કરતા હતા લેડીઝ હતી સાહેબ। એટલે પકડ્યા પછી તમે શું કર્યું છો? પકડ્યા પછી એ બહેનને આપણે ખાલી એની પરથી કેસ ખૂંચવી લીધા અને ખાલી ખાલી એ રોડ પર કરી ગઈ એની વચ્ચે। અત્યારે ક્યાં આવ્યા છો તમે? હું પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા।